अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम एब्सोल्यूट फंक्शन जो है और उससे रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज आती हैं जरा उसको सॉल्व करते हैं। फिर कुछ मिक्स फॉर्म भी है, मतलब ऐसी इनइक्वालिटीज भी होती हैं जिसमें रैशनल भी है और एब्सोल्यूट भी होता है। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहली बात कि एब्सोल्यूट फंक्शन होता क्या है। अब यार एक आप लोगों को पोर्शन मैंने अभी करवाना है, इंशाल्लाह इनइक्वालिटीज के बाद फंक्शंस का पोर्शन हम देखेंगे, तो उसमें सारे फंक्शन जो है मैं आप लोगों को ड्रॉ और डिफरेंट शिफ्टिंग और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट, एम्पलीट्यूड, ये सारे थोड़े मैं आप लोगों को बताऊंगा। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब ये अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि एब्सोल्यूट फंक्शन होता क्या है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ एब्सोल्यूट फंक्शन का, तो एक वी शेप में बन रहा होता है इस टाइप का, ये होता है एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये फंक्शन है। इसकी खासियत क्या है, ये जो मॉड एक्स ये फंक्शन है ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ये खासियत है इसकी, ये आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। वाई एक्सिस पे अगर आप देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ये। तो बिलफर्ज अगर आप कहीं इनक्वालिटी देखो, जो इनक्वालिटी इस टाइप की हो कि मॉड एक्स इज लेस देन माइनस टू, कि ऐसी एक्स की वैल्यू निकालो जिसपे आंसर माइनस टू आ रहा हो, तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकती, नो सॉल्यूशन। क्यों भाई, मॉड का आंसर लेस देन नेगेटिव नंबर से लेस कैसे होगा, सेंस नहीं बनेगी ना। या तो अगर टू लिखा हुआ था तो फिर चलो सेंस बन सकती है, टू से कम हो सकता है ना, वन भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, वन और जीरो के दरमियान या वन और टू के दरमियान सारी वैल्यूज हो सकती है इसके अंदर, लेकिन नेगेटिव इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता। नेगेटिव नंबर से कम कैसे होगा, ये सेंस नहीं बनाती। इवन नेगेटिव नंबर के बराबर भी नहीं हो सकता ये, फॉर एग्जाम्पल माइनस वन के बराबर भी नहीं हो सकता, जीरो से कम नहीं हो सकता है, याद रखना। मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा या कभी जीरो रहेगा। तो कभी आपको इस टाइप की इनइक्वालिटी नजर आए ना, तो समझ जाना कि यार इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और कभी आपको ऐसी इनइक्वालिटी नजर आए कि जो ये लिखी हुई हो कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, तो याद रखना इसके सब सॉल्यूशन है। कुछ भी आप एक्स पुट कर दो, आंसर आपका हमेशा माइनस टू से ग्रेटर आएगा। आप कुछ भी पुट कर लो यहाँ पे, आप यहाँ पे x की जगह नेगेटिव पुट कर दो, x की जगह पॉजिटिव पुट कर दो, आंसर तो पॉजिटिव ही आता है, और हर पॉजिटिव नंबर माइनस टू से ग्रेटर होता है। तो हम कहेंगे इसके सब सॉल्यूशन है, सब रियल नंबर इसके सॉल्यूशन है, कुछ भी x पुट कर दो ये इनइक्वालिटी जो है ये सेटिस्फाई हो रही होती है। तो ये दो बातें तो आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। ये इनइक्वालिटी की मैंने बात बताई है, इक्वेशन फॉर्म में भी कभी आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोले मॉड एस इज इक्वल टू माइनस टू, ऐसी एक्स वैल्यू निकालो जिसपे आंसर माइनस टू आए। पहली बात, इक्वेशन में तो कोई एक एक्स वैल्यू आ रही होती है, एक या दो आ जाएंगे, इनइक्वालिटीज में एक पूरा इंटरवल आ रहा होता है। इक्वेशन में कोई भी एक्स वैल्यू नहीं है भाई, माइनस टू के बराबर आ ही नहीं सकता, सेंस नहीं बना दी ना, मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस इक्वेशन में भी आप बोलोगे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो है आपको बताना चाहिए। दूसरी बात, इसकी एक फंक्शन फॉर्म भी होती है जिसके बारे में डिटेल में आप लोगों को फंक्शन के पोर्शन में बताऊंगा कि जो मॉड एक्स है ये एक्स के बराबर होता है या ये मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर होता है। एक्स के बराबर उस वक्त होता है जब आप कोई ऐसा एक्स पुट करो जो पॉजिटिव हो या जीरो के बराबर हो, और माइनस एक्स के बराबर उस वक्त होगा जब आप एक्स को लेस देन जीरो पुट करो। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स पुट किया माइनस फाइव, ये जो माइनस फाइव है कंसिडर कर लो ये एक्स की वैल्यू है, कोई एक एक्स की वैल्यू थी माइनस फाइव वो आपने पुट की है। अभी जो एक्स की वैल्यू माइनस फाइव है ये लेस देन जीरो है ना, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा माइनस एक्स। ठीक है, एक्स आपका क्या था, एक्स आपका था माइनस फाइव, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फाइव। दैट्स व्हाई आप नेगेटिव पुट करो तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है इसका। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुट करते हो फाइव, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या पुट किया आपने, फाइव पुट की, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एक्स के बराबर होगा, और एक्स आपका क्या था, एक्स आपका बेसिकली फाइव ही था। जैसे यहाँ पे एक्स आपका माइनस फाइव था, यहाँ पे एक्स आपका फाइव था, तो पॉजिटिव पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये बेसिकली मॉड फंक्शन के बारे में थोड़ी सी बात आपको बतानी चाहिए, बाकी डिटेल में थोड़ा बहुत और हम डिस्कस कर लेंगे। इसका ग्राफ कैसे आया, इसे ग्राफ का भी एक तरीका होता है, जैसे दो पीसेज है ना, एक इसका पीस है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स, एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो सवाल है कि वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है, ये होता है वाई इज इक्वल टू एक्स, ये पूरी लाइन की इक्वेशन होती है। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स की इक्वेशन क्या होती है, ऐसी लाइन जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है। ठीक है, लेकिन ये पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है कि फंक्शन के अंदर आप पढ़ोगे, पीस वाइज एक खास इंटरवल के अंदर होता है। जैसे ये जो y इक्वल टू एक्स वाले ना, ये कब वैलिड है, जब x पॉजिटिव होगा, मतलब ये वाला रीजन, इसमें x आपका पॉजिटिव या जीरो होता है। तो ये जो y इक्वल टू एक्स है उसी वक्त वैलिड है जब x पॉजिटिव है, मतलब इससे पहला वाला पीस आप मिटा दोगे। इसी तरह जो दूसरा पीस है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, कब वैलिड है, जब x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव इस रीजन में होता है, तो
इसके अलावा जो इधर इसका ग्राफ है ना उसको आप मिटा दो तो ये अल्टीमेटली आपके पास वी बन जाता है। तो ये सब रीजंस होती है, इंशाल्लाह बाद में भी हम डिस्कस करेंगे, अभी पर टॉपिक बहुत डाइवर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन हल्की फुल्की देख लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू, अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ये चीज बोली जाए, या आपको बोला जाए कि मॉड एक्स इज इक्वल टू टू, इसके सॉल्यूशन निकालो। तो भाई जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसके दो सॉल्यूशन आते हैं, एक तो पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। मतलब अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करूं तब भी आंसर 2 आ रहा होगा, अगर मैं x की जगह माइनस 2 पुट करूं तब भी आंसर क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। ये बेसिकली जो एब्सोल्यूट है ना इसको एब्सोल्यूट वैल्यू आप कहते हो, और फंक्शन को हम एब्सोल्यूट फंक्शन कह देते हैं। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये आपको बेसिकली डिस्टेंस बता रही होती है, कौन सा डिस्टेंस, के ओरिजिन से आप कितने यूनिट दूर हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो इक्वेशन है ना, आपको इक्वेशन समझ नहीं आनी चाहिए कि वो क्या कह रही है आपको। इक्वेशन ये आपको कह रही है कि ऐसे पॉइंट्स बताओ मुझे, मतलब पॉइंट्स मतलब जो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ये इन द सेंस कि जिसमें एक्स वैल्यू हो ना, तो खाली पॉइंट ही है ना, रियल नंबर लाइन पे जैसे आप पॉइंट पिक करते हो, तो मुझे ऐसे पॉइंट बताओ जो ओरिजिन से टू डिस्टेंस के ऊपर है। ये जो इक्वेशन है ये आपको कह रही है कि मुझे ऐसे पॉइंट्स बताओ जो ओरिजिन पे टू डिस्टेंस के फासले पे है। तो अगर आप एक लाइन बनाओ, ये आपका ओरिजिन है जीरो, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू टू, टू के डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट है भाई। टू के डिस्टेंस पे एक तो पॉइंट आपको यहां पे मिलेगा, और टू के डिस्टेंस पे एक पॉइंट आपको यहां पे मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस की बात की जा रही है ना अभी। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस भी टू है, इसका भी डिस्टेंस टू है, दैट्स व्हाई आपको दो आंसर देता है, कहता है एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। ये दोनों पॉइंट जो है ये ओरिजिन से कितने फासले पे हैं, टू डिस्टेंस के फासले पे, ये इसका बेसिकली मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इनइक्वालिटी में तब्दील कर दूं, मैं बोलूं कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन टू, अब इसका मतलब क्या है, अब ये आपसे बोल रहा है कि भाई ऐसे पॉइंट्स बताओ जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना यूनिट हो, दो यूनिट से ग्रेटर हो। तो भाई ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का डिस्टेंस तो टू है, इसके बाद जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका डिस्टेंस क्या होगा, टू से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से टू से ग्रेटर होगा, तो इस टू पॉइंट के बाद जितने पॉइंट है इन सबका डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर देन टू होगा। इसी तरह माइनस टू पॉइंट से इधर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का भी डिस्टेंस टू से ग्रेटर होगा। यहां पे आप ये वाला पॉइंट पिक कर लो, क्योंकि डिस्टेंस की बात की जा रही है, नेगेटिव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहां पे। यहां पे जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस भी टू से ग्रेटर होगा, तो जितने भी पॉइंट होंगे उसका डिस्टेंस टू से ग्रेटर होगा। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होगा, टू से ग्रेटर माइनस टू से कम, ये वो सारे पॉइंट है जिनका डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन टू हो रहा होगा। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये आपको बता रही होती है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। वेलफर्स कभी ये चीज भी आ सकता है ये चीज, तो सवाल है कि ये आपको क्या बता रही है, ये आपको बता रही है कि x माइनस वन है ना, तो x माइनस वन को आप जीरो के बराबर रखो, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वन। ये आपको बताएगी कि वो पॉइंट बताओ जो जैसे ओरिजिन था ना, जीरो से आप डिस्टेंस ले रहे थे, अब आप डिस्टेंस कहां से लोगे, अब आप वन से लोगे। तो ये आपको कहेगी बताओ कि वन से वो वाले पॉइंट जो वन से टू डिस्टेंस से ग्रेटर है, मतलब जो पॉइंट वन है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइन बनाओ, ये आपकी लाइन है, कंसिडर कर लो ये वन है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट बताओ जिनका डिस्टेंस इस वन से कितना है, टू से ग्रेटर है, टू डिस्टेंस से ग्रेटर उसका डिस्टेंस है। वर्ड्स थोड़े मिक्स हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद से समझ आ रही होगी आपके पास। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये थ्री लू, तो आपको पता है वन और थ्री के दरमियान कितना फासला है, टू का फासला है, लेकिन आपको वो पॉइंट चाहिए जिनका फासला टू से ग्रेटर हो। तो थ्री से ग्रेटर जितने भी पॉइंट होंगे यहां पे, उन सब का फासला इस पॉइंट वन से टू यूनिट से ग्रेटर ही होगा। इसी तरह अगर आप यहां पे माइनस वन पिक करोगे, आपको खुद पता है वन और माइनस वन के दरमियान डिस्टेंस टू यूनिट का होता है, लेकिन आपको ग्रेटर देन टू चाहिए, इसका मतलब माइनस वन से ग्रेटर जितने भी पॉइंट होंगे, सॉरी माइनस वन से कम, नेगेटिव में आप कम बोलते हैं ना, तो माइनस वन से कम जितने भी पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस वन से ग्रेटर देन टू आ रहा होगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट से पूरा समझाया है, इसके मेथड भी है, मेथड आपको डायरेक्ट बता देगा कि इसका एक बनेगा थ्री से ग्रेटर, एक होगा माइनस वन से कम, वो मेथड से भी हम कर लेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा दे दिया। और कभी इनइक्वालिटी इस टाइप की भी आ सकती है कि आपको बोले कि मॉड एक्स इज लेस देन टू, इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट बताओ जो ओरिजिन से टू डिस्टेंस से कम कम है। आपको मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर पता है, मैं अगर कोई यहां पे पॉइंट पिक करूंगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से दो यूनिट से कम ही होगा, क्योंकि जो x इज इक्वल टू टू है इसका डिस्टेंस टू है टोटल, तो इससे पहले जितने भी पॉइंट होंगे उनका डिस्टेंस ओरिजिन से टू यूनिट से कम ही होगा,
तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट है जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 यूनिट से कम कम है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, ये पूरा आपका आंसर होगा, ये जो 2 और -2 के दरमियान ये पूरा रीजन जो है ये आपका आंसर होगा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो 2 यूनिट से कम कम ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 से लेके 2। अगर इसमें इक्वालिटी आ जाए तो इसका मतलब -2 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, और अगर इक्वालिटी ना आए तो इसका मतलब ना -2 शामिल है ना 2 शामिल है, इनके दरमियान सब शामिल होंगे। तो ये मेन चीजें हैं जो आप एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज को जब सॉल्व करोगे तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस के लिए यही कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे होंगे। अब जो मैं डिस्कस करूंगा ना वो मैं आप लोगों को मेथड बता दूंगा या इस तरीके से आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है कि अगर ग्रेटर देन वाली आई तो आपने ये काम करना है, लेस वाली आई तो आपने ये वाला काम करना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए कि लेस में आप क्या करते हो और ग्रेटर में क्या करते हो। मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं ताकि आपको मजीद बात समझ आ जाए कि जब भी आपको बोला जाएगा ना कि लेस वाली इनइक्वालिटी आ रही होगी तो उसको लिखने का सिंपल तरीका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मॉड एक्स इज लेस देन 2, तो उसका डायरेक्ट अगर आपने आंसर लिखना है तो आप क्या करो, एक्स को दरमियान में लिखो, यहां पर -2 लिखो, यहां पर 2 लिख दो और ये सॉल्यूशन आ गया, दैट्स इट। अगर लेस वाली इनइक्वालिटी आ रही है तो आप ये काम कर रहे होते हो क्या कि अगर 2 है ना तो एक तरफ 2 लिखो, एक तरफ -2 लिखो और इस टाइप की इनइक्वालिटी लिख दो। और रीजन आपको समझ आ गई है ना, आपको पॉइंट चाहिए थे जो लेस देन 2 हो, तो -2 और 2 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस ओरिजिन से लेस देन 2 ही आ रहा होगा। तो लेस वाली एब्सोल्यूट को आप डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर लेते हो, जबकि ग्रेटर वाली को किस तरह सॉल्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आ रहा है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपने क्या करना है, आपने एक्स लिखना है और इसको ग्रेटर करना है +2 से, और एक्स लिखना है इसको लेस करना है -2 से। मतलब +2 से आपने ग्रेटर लिखना है और -2 से आपने लेस देन वाला लिखना है। और इसकी रीजन भी आपको पता है कि आपको ऐसे पॉइंट चाहिए जो 2 से ग्रेटर हो जिनका डिस्टेंस, तो ये वाले जितने पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 से ग्रेटर है, तो इनको आप कैसे लिखोगे, इनको आप लिखोगे एक्स इज ग्रेटर देन 2, जबकि आपको पता है -2 से कम कम ये वाले जितने पॉइंट्स हैं, नेगेटिव में आप कम का वर्ड यूज करते हो ना, सब कम हो जाएंगे, तो -2 से जितने भी छोटे पॉइंट्स हैं, जितने भी कम वैल्यूज हैं, उनका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स इज लेस देन -2। -2 से जितनी भी छोटी वैल्यूज आपको इस लाइन पर नजर आ रही है उन सबका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 यूनिट से ग्रेटर होगा। तो जब ग्रेटर वाली इक्वालिटी आती है तो आप ये कर रहे होते, और इसको एक साथ आप नहीं लिख सकते, मैंने पहले भी क्लियर किया था, इसको हम इस तरह लिखो या और करके लिख दो बात एक ही है, बैक वक्त ये सेटिस्फाई हो नहीं सकता। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से ग्रेटर हो और -2 से कम हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो बैक वक्त नहीं हो सकती तो इसको आप अलग अलग लिख रहे होते हो कि भाई x से ग्रेटर 2 कुछ भी पुट कर दो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी, या x से -2 से कम कुछ भी आप पुट कर दो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी। जबकि इसको आपने अलग अलग नहीं लिखना, इसको अलग भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन -2, इसको अलग अलग भी आप लिख सकते हो। अगर अलग अलग लिखना चाह रहे हो तो एंड करके लिखो, क्यों, क्योंकि ये बैक वर्क सेटिस्फाई होंगे, अगर अलग अलग लिखोगे तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। इस इनइक्वालिटी को अगर आप अलग देखोगे तो ये गलत मानी जाएगी कि x इज लेस देन 2, भाई लेस देन 2 तो -10 भी आता है, तो क्या -10 सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको, -10 कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा इसको। तो x इज लेस देन 2 को खाली आप देखोगे नहीं, आप साथ साथ इसको भी देखोगे कि x 2 से कम है, साथ साथ x -2 से ग्रेटर भी है, तो -2 और 2 ये वाला पूरा रीजन आपके काम किया। तो इसको आप और करके नहीं एंड करके लिखोगे, इस तरह लिख लो या आप इस तरह लिख दो, या इसके लिखने का एक और तरीका भी होता है, जैसे इसको लिखने का ये तरीका भी है ना कि 2 से लेके इंफिनिटी तक, और इस वाले इसको मैं इस तरह लिखते हैं ना, लेस देन -2 का मतलब -∞ से लेके -2 तक, और 2 से ग्रेटर का मतलब 2 से लेके इंफिनिटी तक, तो आप दरमियान में यूनियन लिखते हो। यह आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में जो आप और लिखते हो सेट लैंग्वेज में उसका मतलब यूनियन होता है, यूनियन एज इक्विवेलेंट होता है और के, ठीक है। तो इस वाले आंसर को आप और करके भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो जैसे हम नॉर्मली लिख रहे होते हैं और करके, ठीक है। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो या तो एंड करके लिखोगे आप, या इस तरह लिख दो, या आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ट्राई करते हैं, इस फॉर्म में भी हो सकता है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज लेस देन 2, या पहले इसको लिखते हैं एक्स इज ग्रेटर देन -2, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, -2 से लेके इन्फिनिटी, जबकि ये है x इज लेस देन 2, इसको लिखने का तरीका होगा -∞ से लेके 2 और दरमियान में आप इंटरसेक्शन डाल दो। ये मैंने कहीं देखा नहीं है, कहीं बुक्स वुक्स में देखा नहीं है, लेकिन आई गेस कर सकते हो आप, क्योंकि जैसे इसमें आप कह रहे हो ये भी सॉल्यूशन है, अगर आप सॉल्यूशन सेट बनाओ तो सॉल्यूशन सेट में क्या होगा,
छोटा सा ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, कंप्लीट ही पूरा सॉल्यूशन है इसमें, सारे जो वैल्यूज हैं वो सॉल्यूशन आ रही हैं। इसी तरह अगर आप इसको सॉल्व करो, कहने का मतलब इस वाले में और इस वाले में जो कॉमन वाले पॉइंट्स हैं, कॉमन वाले पॉइंट्स यही होंगे माइनस टू और टू के दरमियान, क्योंकि इस पहली वाली चीज का मतलब बन रहा है कि माइनस टू से ग्रेटर, ये वाला पूरा रीजन, और इसका मतलब बन रहा है इसका मतलब बन रहा है कि माइनस इंफिनिटी से लेके टू, फॉर एग्जाम्पल टू यहां पे ना, तो माइनस इंफिनिटी से लेके ये वाला पूरा रीजन है, ये इसका रीजन ये है और इसका रीजन ये है, तो कॉमन देखो ये कॉमन रीजन है, इंटरसेक्शन जो है ये कॉमन है, तो वही चीजें जो आपने इस तरह लिखी थी। कहने का मतलब ये कि सारे कॉन्सेप्ट है, अगर आप थोड़ा बहुत इनको सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किसी भी एंगल से आप बात कर सकते हो, असल चीज है कि आपको बात समझ आनी चाहिए कि वो यहां पे क्या रहा है। बहरहाल तो ये मैंने कुछ आप लोगों को एब्सोल्यूट के बारे में बता दिया, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, हालांकि मुझे बाद में क्लियर करना था क्योंकि मैं भी सॉल्व नहीं करवाने लगा, मैं कुछ आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर करने लगा हूं इनइक्वालिटीज से रिलेटेड। ये जो एब्सोल्यूट साइन है ना, इसको डील करना आना चाहिए आप लोगों को, तो जरा देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो बच्चों डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी है कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बताता है आपको ये। दूसरी बात मैंने बताई है कि एब्सोल्यूट अगर कोई नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव आए, पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। फॉर्म मैंने आपको बता दिए, वो ज्यादातर हम फंक्शन के अंदर भी देख लेंगे, दो पीस वाइज फंक्शन होता है ये, तो हम छोड़ देते हैं। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, और ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं, हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट को आमतौर पर पता नहीं है, दैट्स व्हाई मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा स्टूडेंट को है। नॉर्मली हमारी हैबिट होती है कि जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार फॉर एग्जांपल अगर टू स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को इक्वल इससे कैंसिल करो, आंसर टू आ जाएगा, तो हम कहते हैं चलो इस तरह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जनरलाइज है तो एक्स स्क्वायर हम कैंसिल करेंगे, आंसर एक्स आ जाएगा। ये कंफ्यूजन बहुत से स्टूडेंट्स को है, हालांकि ये स्क्वायर रूट इस तरह कैंसिल होकर डायरेक्ट एक्स की फॉर्म में आंसर नहीं आ सकता। मेन कॉन्सेप्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट, ये कंफ्यूजन आई कहां से, ये कंफ्यूजन यहां से आई है कि जो आंसर, जो बच्चे रूट फोर का आंसर प्लस माइनस टू लिख रहे होते हैं, ये वहां से कंफ्यूजन आई है। मैंने ये अपनी वीडियो चैनल पे प्लेलिस्ट एक है वाई के नाम से, वहां पे मैंने रीजन अपलोड की हुई है कि जो रूट फोर है इसका आंसर प्लस माइनस टू नहीं होता, इसका आंसर जस्ट पॉजिटिव टू, मतलब टू होता है इसका आंसर। ये जो सिंबल है रूट का, ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है, ये हमेशा हमने डिफाइन ही पॉजिटिव इसको किया है, इसके आंसर में पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि हमने इसको फंक्शन बनाना था। पर अब इसकी रीजन आप लोग वहां जाके देख लेना, तो रूट के आंसर में कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये एक पेट चीज है, मैथ का रूल है, ये आपको बताना चाहिए कि स्क्वायर रूट के आंसर में नेगेटिव कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर जाके फेल हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चीज लिखी हुई हो, ये लिखा हुआ, तो जिन्होंने आज तक यही सीखा है कि स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो क्या करेंगे, उसको कैंसिल करके इसका आंसर माइनस टू लिख देंगे। ये बहुत ही बेसिक बात है लेकिन बहुत बड़ी खराबी है, इसका आंसर नेगेटिव लिख देंगे, हालांकि असल कॉन्सेप्ट ये नहीं होता। असल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो मॉड एक्स स्क्वायर, अगर आपने जुगाड़ रखनी है, मतलब अगर आपको स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है आपका इंटरेस्ट, भाई सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो वैल्यू है ना, इसका पहले स्क्वायर करो आप, माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, और फिर फोर का रूट लो जो कि टू के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक कैंसिल भी करना चाह रहे हो तो बस आप इस चीज को याद रख लो कि जो मॉड एक्स स्क्वायर है ना, इसका आंसर एक्स नहीं होता, सॉरी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का आंसर एक्स नहीं होता, इसका आंसर मॉड एक्स होता है। अब इसका मतलब क्या है, मॉड एक्स क्या मतलब है इसका, मतलब यह है कि जब भी आप स्क्वायर को रूट से कैंसिल करते हो तो जो चीज पीछे बचती है मैग्नीट्यूड में, तो आपका वही आंसर है, लेकिन साइन उसका पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखो तो आंसर तो टू ही है, मैग्नीट्यूड टू रहेगा इसका, असल मसला साइन का आ रहा है, वैल्यू तो वही, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना, टू चेंज तो नहीं होगा ना, अगर आप गलत मेथड भी करोगे तो टू तो टू ही रहेगा, असल मसला साइन का आ रहा है। तो साइन को हम किस तरह हल करते हैं, हम कहते हैं मॉड लगा दो, अगर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो असल में इसका आंसर ही आना चाहिए। तो अगर आप स्क्वायर को रूट से कैंसिल भी कर देते हो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर आप मॉड लगाओ, जब मॉड माइनस टू करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, टू के बराबर हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये चीज बताई जाती है जो मैं यहां पे लिखने लगा हूं इस चीज को, कि मॉड एक्स स्क्वायर का आंसर जो है वो, सॉरी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का आंसर बराबर होता है मॉड एक्स के। तो कहने का मतलब कभी भी स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना। तो पहली बात तो मैंने डिटेल में कंप्लीट करवा दी है, अब कुछ प्रॉपर्टीज कह लो आप, हाँ प्रॉपर्टीज हैं, उनको जरा हम देख लेते हैं, हल्की फुल्की आपकी कहीं ना कहीं काम आ सकती है, तो जरा देख लेते हैं थोड़ा इसी प्रॉपर्टीज है।
सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि माइनस वन माइनस ए का मॉड लो या ए का मॉड लो, बात एक ही है। कहने का मतलब ए कुछ भी हो सकता है, कोई ए पॉजिटिव नंबर ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल ए हम लेते हैं 5, तो आप यहां पे एक ही जगह 5 पुट करो, यहां भी एक ही जगह 5 पुट करो, इसका आंसर भी 5, इसका आंसर भी 5, तो ये आपसे बराबर है। फॉर एग्जाम्पल ए को आप माइनस 5 ले लो, तो जब यहां पे ए की जगह माइनस 5 पुट करोगे तो माइनस 5 और ये वाला माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, यहां पे ए की जगह माइनस 5 पुट करो, अगेन 5 इज इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब माइनस माइनस ए का मॉड या ए का मॉड, एक ही आंसर आएगा इसका। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हो मॉड के अंदर, तो अलग अलग आप उनका मॉड लेते हो और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हो। जैसे अगर आपके पास देखा हो 2 × 3 का मॉड, तो ये किसके बराबर होगा, 2 × 3 का मॉड, ठीक है, मतलब ये 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बराबर है ना आपस में, इतना इशू नहीं होगा। अच्छा डिफरेंस अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए तब भी आगे से इशू नहीं होगा, करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है माइनस 2 और एक है 3, तो ये बराबर होगा माइनस 2 × 3, तो ये तो हो जाएगा माइनस 6 का मॉड, और ये हो जाएगा 2 का मॉड, मतलब माइनस 2 का मॉड 2 होगा ना, और 3 का मॉड 3 होगा, तो अगेन आंसर 6 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नेगेटिव आप ले लो दोनों नंबर, या दोनों नंबर पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि दो चीजों का प्रोडक्ट का मॉड लो, ये बराबर है कि आप अलग अलग मॉड लो और फिर मल्टीप्लाई करो। सेम प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर भी होती है, आप दोनों का अलग अलग मॉड ले लो और फिर डिवाइड कर लो, एक ही बात है। अच्छा उसके बाद एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, फिलहाल मैं इतनी लिख रहा हूं, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैं आप लोगों को पूरी ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी लिखवा दूंगा कि अगर दो नंबर एड हो रहे हैं आप उनका मॉड लो, ये हमेशा कम होगा अगर दोनों का अलग अलग मॉड लेके उनको ऐड करो आपस में, मतलब हमेशा कम होगा या बराबर होगा। बराबर किस सूरत में हो सकता है, बराबर उस सूरत में होगा कि जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, आई गेस ए बी साइन डिफरेंट होगा तो लेस देन जीरो अदरवाइज इक्वल। हाँ कि अगर ए बी का साइन डिफरेंट है ना तो लेस आपका आंसर आ रहा होगा, मतलब ये जो ट्राइंगल इनक्वालिटी है ना इसमें लेस और इक्वालिटी भी है ना, तो लेस हमेशा उसी वक्त होगी ये चीज जब ए और बी का साइन अपोजिट है। अगर ए और बी का साइन पॉजिटिव है दोनों का या दोनों का नेगेटिव है ना, तो हमेशा ये चीज इक्वल आ रही होती है। जैसे आप ए को ले लो माइनस 2, बी को ले लो आप 3, ठीक है, तो इसी तरह माइनस 2 और तो माइनस 2 प्लस 3 क्या होता है 1, 1 का मॉड क्या होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, मतलब 5। तो ये देख लो आप कि 1 इज लेस देन 5, तो जब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होना, तो लेस वाली जो बात होती है ना वो सेटिस्फाई हो रही होती है। और अगर दोनों का साइन सेम हो या दोनों का साइन सेम हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो फिर इक्वालिटी वाला स्टेटमेंट ठीक होगी, मतलब दोनों को पॉजिटिव कर दो तो इसका आंसर भी 5 और इसका आंसर भी 5, तो 5 इज नॉट लेस देन 5 बट 5 इज इक्वल टू 5। तो एक बात पे अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो स्टेटमेंट आपकी ठीक है, या दोनों नंबर को नेगेटिव कर दो तब भी ये बात बिल्कुल ठीक है, अभी भी आपका रिजल्ट 5 आ रहा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा होता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों को मैंने करवा दी है, अब 2-3 रिजल्ट है जरा उनको भी हम देख लेते हैं साथ साथ। अच्छा जी रिजल्ट यहां पे क्या है कि सबसे पहली बात कहां लिखी हुई है मैंने, हाँ, कि अगर आपके पास ये चीज लिखी हुई हो कि मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई, तो इंप्लाई कर रहा है ये बात कि एक्स वाई के बराबर भी हो सकता है या एक्स माइनस वाई के बराबर होगा। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल दो नंबर आपके पास लिखे हुए, दो स्टेटमेंट है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, आप ही कहोगे भाई इसका आंसर 2 इज इक्वल टू 2, इधर भी 2 इज इक्वल टू 2, तो दो केस बन रहे हैं, या तो ये दोनों नंबर आपस में बराबर है, मतलब x और y दोनों आपस में बराबर होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब बराबर वाला केस बन जाएगा ना, कि या तो दोनों बराबर है या उनके साइन डिफरेंट होंगे, x इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो दोनों केसेस में इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो बराबर ही है, लेकिन उनके अंदर जो लिखा हुआ है ना उसको कंपैरिजन करवाया जा रहा है कि दोनों केसेस में इक्वल तो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, लेकिन अंदर जो है इस वाले केस में दोनों बराबर है, मतलब अगर दोनों नंबर बराबर हो तब भी ये बात सेटिस्फाई हो रही होती है, या दोनों नंबर का साइन अगर डिफरेंट हो तब भी बात सेटिस्फाई हो रही होती है। तो मॉड एक्स मॉड वाई के बराबर है ये इंप्लाई कर रहा है
कि या तो एक्स वाई के बराबर होगा या एक्स माइनस वाई के बराबर होगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है मैं पहले यहां पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिचुएशन लिखी हुई हो, मैं पहले इजीली समझाता हूं आपको ये सिचुएशन लिखी हुई है। याद रखो कि जब लेफ्ट हैंड साइड में चीज लिखी हुई है, ये लेस की फिलहाल बात करें, ग्रेटर की भी आप कर सकते हो। जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, पहले मैं ये वाली प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं ना, ये वाली मैंने लिखी हुई है, इसको जरा देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ज्यादा इजी है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एब्सोल्यूट वैल्यू की कोई पॉजिटिव पावर लेनी है, मैं आगे मेंशन कर दूंगा n पॉजिटिव है, तो ये बराबर होता है कि आप a की पावर n ले लो, प्रोवाइडेड कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर और n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। क्या मतलब है इसका, मतलब ये पहले ये समझ लो आप, मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी इनक्वालिटी एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉड लिखा है, फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री लिखा हुआ है, और मैं आपको बोलता हूं कि आप इसका स्क्वायर करो, तो ये पूरी चीज किसके बराबर है कि आप जो मॉड के अंदर चीज लिखी हुई है ना उसका स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। क्यों, इसमें क्या होगा, सबसे पहले माइनस थ्री की मॉड वैल्यू क्या होती है, थ्री होगी, फिर आप थ्री का स्क्वायर करोगे, यही होगा ना, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, तो सेम काम यही तो कर रहे हैं आपको। इस मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है पॉजिटिव करना और फिर स्क्वायर करना, तो ये स्क्वायर दोनों काम खुद ही तो कर लेगा, स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव भी कर देगा और उसके बाद स्क्वायर भी ले लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको बोला जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक है उसका आपने स्क्वायर करना है, तो ये सिंपल बराबर है कि जो अंदर लिखा हुआ है ना आप उसका स्क्वायर कर लो, आंसर भी पॉजिटिव आएगा और मैग्नीट्यूड भी वही आएगा जो इसके ऊपर आ रहा था। तो अगर आपने मॉड की पावर एन लेनी है, शर्त यह कि एन इवन होना चाहिए, क्योंकि इवन जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, बाकी पॉजिटिव नहीं करते होते। तो अगर मॉड की पावर एन लेनी है, बराबर होगा कि जो अंदर लिखा हुआ है ना उसकी पावर एन ले लो, पर शर्त यह कि वो ए जो है वो रियल होना चाहिए और जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, 2, 4, 6 ये सब पावर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी कि इफ मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, तो ये इंप्लाइड है इसमें बात कि एक्स स्क्वायर जो है वो भी लेस देन वाई स्क्वायर होगा। देखो एक्स स्क्वायर और जो मॉड है ना ये साइन को कंसिडर नहीं कर रहे होते, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कंसिडर करते हैं कि माइनस टू इज लेस देन माइनस फाइव, भाई अगर आप मॉड को देखो तो बाद में मॉड मैग्नीट्यूड को देखते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड यहां पे 2 है वहां पे 5 है, 2 लेस देन 5 होता है, लेकिन अगर आप इनके अंदर चीजों को देखोगे तो वो लेस नहीं है, माइनस टू जो है वो माइनस फाइव से लेस नहीं होता, ग्रेटर होता है, लेकिन मॉड लगा हुआ है ना तो मॉड मैग्नीट्यूड को देख रहा होता है। तो अगर कोई स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई हो कि यहां पे चीज लेस है इसके, तो अगर आप मैग्नीट्यूड में देखो तो मैग्नीट्यूड में तो ये ग्रेटर ही है ना, वैसे अगर आप देखो माइनस फाइव छोटा होता है लेकिन मैग्नीट्यूड में तो ग्रेटर ही है यहां पे। तो जब आप स्क्वायरिंग करते हो, अगेन स्क्वायर भी क्या करता है, स्क्वायर तो पॉजिटिव कर देता है इसको, तो जो चीज मैग्नीट्यूड में बड़ी है तो फिर भी बड़ी रहती है। जैसे यहां पे आप माइनस टू का स्क्वायर करो 4 होगा, माइनस फाइव का स्क्वायर करो 25 रहेगा, अब भी 4 इज लेस देन 25। तो जो चीज मैग्नीट्यूड में बड़ी होती है ना मॉड के अंदर, तो जब उनका आप स्क्वायरिंग करोगे तब भी वो बड़ी रहेगी, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि मॉड एक्स अगर लेस देन वाई है तो फिर जब आप एक्स स्क्वायर करोगे तो वो भी लेस देन होगा वाई स्क्वायर के। बेशक एक्स जो है, अगर एक्स की बात करो, बेशक एक्स जो है वो लेस देन वाई बेशक ना हो, जैसे इस वाले केस में आप देखो एक्स यहां पे क्या है माइनस टू, वाई यहां पे माइनस फाइव, माइनस टू इज नॉट लेस देन इक्वल टू माइनस फाइव, हमेशा ग्रेटर होता है ये। तो अगर आप सिर्फ एक्स और वाई का कंपेरिजन करवाओगे तब ये बात लेस नहीं रहेगी, लेकिन जब आप स्क्वायरिंग की बात करते हो तो वही जैसे मॉड कर रहा होता है, ये मैग्नीट्यूड निकालता है, स्क्वायर भी वही काम करेगा कि जो मैग्नीट्यूड में बड़ी चीज होगी तो उसका स्क्वायर और बड़ा आएगा। तो यहां पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और साइन तो पॉजिटिव ही कर देते ना ये, तो माइनस फाइव है तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ग्रेटर वाला होता तो यहाँ पे भी ग्रेटर वाला आ जाता। तो थोड़ी बेसिक सी बातें आपको बतानी चाहिए। और इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स लेस देन वाई होगा, मैंने यहीं पे क्लियर किया आपको बात कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेस है आपस में तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अंदर वैल्यूज है वो भी आपस में लेस होंगी, नहीं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब ये चीज हो सकती है, या अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तब शायद ये चीज हो सकती है, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो तो तब ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो सकती, अगर ये लेस है तो ये भी लेस हो। कहने का मतलब ये चीजें खुद भी आप थोड़ा खेलो, मुझे अब इतनी चीजें याद नहीं है कि मैं आप लोगों को बार बार बताने लग जाऊं, तो खुद भी थोड़ा बहुत आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो आप लोगों की बातें समझ आ जाती है।